ये कुछ क्वालिटी है आज के फूल गोभी की, बाहर वाले वो भी नहीं मिल रही, मालदीव को माल नहीं मिल रहा, डिमांड काफी ज्यादा होगी, बहुत डिमांड बहुत ज्यादा होगी गोभी की, बहुत कम माल आया। हल्दी भी शुरू हो चुकी है आना, ये देखिए। तो देखिए हल्दी की अभी जो क्वालिटी है, ये कुछ क्वालिटी रही है हल्दी में, अभी आ रही है कच्ची हल्दी आ रही है। राम राम मेरे प्यारे किसान भाइयों और व्यापारियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और मैं भी आ गया हूँ अजमेर रामगढ़ सब्जी मंडी। तो आज मैं आपको बताऊंगा सब्जियों का भाव क्या कुछ भाव रहा है, और कितनी क्या सब्जियों की आज आवक रही है, और कैसी क्या आज मंडी की स्थिति रही है, सेल वगैरह कैसी है, यही सभी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, जाइए फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं सब्जियों से जुड़े भाव आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मैं आपको बता देता हूँ अदरक और नींबू का भाव क्या कुछ भाव रहा है, और अभी देखिए क्या है, थोड़ा नींबू में भाव थोड़ा तेज चल रहा, तो जानते हैं आज का क्या कुछ रेट रहा है और कितनी का आज आवक रही है मंडी में। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। तो भैया आज नींबू की क्या पोजीशन रही है? 50-48 रुपए। 50-48 रही है। देखिए भाई साहब नींबू देख सकते हैं, ये कुछ आज की नींबू की क्वालिटी रही है। ये कहाँ का आ रहा है नींबू? ये श्रीगोंदा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ का अवेलेबल आता है? रिपेकिंग आता है। अच्छा, कितना माल रहा आज मंडी में? आज कम से कम 3-4 गाड़ी एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो अभी कम से कम क्या भाव रहा नींबू में, और ज्यादा से ज्यादा क्या भाव चला? ज्यादा से ज्यादा 50, नीचे में 45। अच्छा, और 50 से 45 रुपए किलो का भाव रहा है अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। और ये कुछ देख सकते हैं नींबू की आज की क्वालिटी रही है। तो भैया अभी थोड़ा नींबू में रेट कम हुई है? बहुत ज्यादा उठाव नहीं है। अच्छा, उठाव नहीं होने की वजह से। अगर अभी सर्दी आ गई तो सर्दी में वैसे उठाव कम ही रहता है। माल ज्यादा आ रहा है सर्दी में, पता है माल ज्यादा आ रहा है। अच्छा, माल ज्यादा आया हुआ अभी। अभी ज्यादातर सब्जियों में ये स्थिति रही है भैया, के उठाव नहीं होने की वजह से थोड़ी रेटे कम हुए, टमाटर में भी भाव गिरा। तो ये कुछ देख सकते हैं, ये कुछ आज की क्वालिटी रही है। और इसके अलावा देख सकते हैं अदरक, अदरक का मैं आपको बता देता हूँ भाव भैया। अदरक क्या रेट चल रही है? अदरक बाजार 38 रुपए। 38 रुपए बेंगलोर। बेंगलोर। और इसके अलावा अभी एमपी वाली भी आ रही है सितारा? नहीं अभी वो नहीं, अभी एमपी वाली नहीं चल रही, अभी ये चल रही है। 38 रुपए का भाव है अदरक का, ये देख सकते हैं कुछ क्वालिटी। कितनी बोरी रही है भैया आज? आज मंडी में कम से कम बोरी है 300। 300 बोरी है। तो देखिए अभी सर्दी आने के साथ ही थोड़ी आवक भी बढ़ चुकी है अदरक में, और क्या अभी उठाव भी है, सही है अदरक में, ठंड पड़ रही है, ठंड सर्दी का थोड़ा सीजन स्टार्ट हो गया। तो यह आज के अदरक का भाव रहा। तो ये जो अपने पास अभी माल है ज्यादातर बिक्री का ही है? बिक्री का, बिक्री का। अच्छा, तो अपना नंबर वगैरह शेयर कर दो अगर कोई डालना चाहे बिक्री में। तो अमर सिंह मांगलाल के नाम के शॉप अपनी 95-72-82-61-36। तो देखिए ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई भाई डालना चाहता है बिक्री पर नींबू अदरक वगैरह तो इनसे कर सकता है संपर्क। तो ये आज का भाव रहा नींबू और अदरक का। ये दोस्तों आज मैं बता देता हूँ पालक का भाव, और पालक में अभी क्या रेट काफी ज्यादा कम हुई है। पालक क्या है कि अभी मंडी में फूल आ रहा है, और इस वजह से क्या भाव भी काफी कम हुआ, क्योंकि अब क्या पालक का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो जो आज पालक का रेट चला भैया, पोट का रेट है 8 रुपए किलो से लेकर ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए किलो तक बिका पालक। और ये देख सकते हैं पालक की कुछ क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी रही है पालक में भी। तो जिस हिसाब का माल है वैसे उसकी रेट रही है। तो ये आज का पालक का रेट चला। और इसके अलावा जो देखिए बैंगन, बैंगन का मैं बता देता हूँ, बैंगन अभी भैया क्या रेट है काफी ज्यादा कम हुई है बैंगन में। जो थोक का भाव चला है बैंगन 20-25 रुपए किलो का भाव है, ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी बैंगनों की। और अभी बैंगन क्या काफी ज्यादा आ रहे हैं मंडी में, तो इस वजह से क्या रेट भी काफी ज्यादा कम हुई है। तो ये बैंगन का आज का भाव चला है। और इसके अलावा जो देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों मेथी, मेथी में भी अभी क्या रेट है कम हुई है। मेथी जो का, मेथी का आज जो बाजार चला भैया 20-30-35 रुपए किलो तक बिक रही है मेथी, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट है, ये देख सकते हैं। तो मेथी में भी अभी थोड़ी रेट कम हुई है। बाकी जो धनिया का भाव है, धनिया थोड़ा तेजी हुआ है धनिया में, धनिया का जो आज रेट चला भैया 50-70 रुपए किलो तक थोक का भाव रहा धनिया का, ये देख सकते हैं कुछ क्वालिटी। तो धनिया में अभी थोड़ी रेटों में तेजी आई है। उसके अलावा भिंडी देख लीजिए, भिंडी का भी अभी भाव क्या थोड़ा तेज हो रहा है, क्योंकि अब भिंडी क्या है कम हो गई आना। और ये कुछ भिंडी की क्वालिटी रही है, और भिंडी का जो भाव चला भैया आज 35-40 रुपए किलो रहा होलसेल भाव। तो ये आज की कुछ सब्जियों की रेट रही है, और ये देख सकते हैं भैया अभी मंडी की कुछ स्थिति।
देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ मिर्ची का भाव और साथ ही साथ टमाटर का भाव। ये कुछ देख सकते हैं क्वालिटी टमाटरों में। तो अभी देखिए दोस्तों, टमाटरों में क्या थोड़ा भाव कम हुआ क्योंकि माल की काफी ज्यादा अब आवक बढ़ी है इस वजह से, और मिर्ची में भी क्या थोड़ी रेटें कम हुई है। तो जानते हैं आज का क्या कुछ रेट रहा और कितना क्या माल आज मंडी में अवेलेबल रहा। ये देख सकते हैं टमाटर की कुछ क्वालिटी, और एक ये इधर देख लीजिए टमाटर। तो बताते हैं आज आपको भाव। नमस्कार भैया। तो भैया आज जरा बताइए, आज मिर्ची की क्या पोजीशन रही है? 40-45 रुपए किलो। आज देखिए भैया मिर्ची रही है, एक तो ये देख सकते हैं ये कुछ मिर्ची में क्वालिटी। ये वाली क्या रेट चली आज? ये सुबह तो चली पहले 45 रुपए। अच्छा, और इसके अलावा ये वाली? ये 50 रुपए किलो चली सुबह। ये 50 रुपए किलो रही है। तो भैया अभी ये मिर्ची कहाँ की आई है? भैया सवाई माधोपुर की रही है। कितना माल रहा आज मंडी में? मिर्ची है छान। अच्छा, छान और चपड़ी में। अच्छा, बढ़िया मिर्ची है। तो कितनी गाड़ियां आज मिर्ची में अपने मंडी में? 7-8 गाड़ियां। 7-8 गाड़ियां आज मंडी के अंदर रही है। और ये देख सकते हैं मिर्ची कुछ कंडीशन है, सवाई माधोपुर की आई है। तो ये आज की मिर्ची का रेट चला। और भैया जो अभी मिर्ची आ रही है, सेल कैसी हो रही है मिर्ची में? बढ़िया सेल है अभी, थोड़ा बढ़िया सेल। सेल देखिए अभी क्या थोड़ा मिर्ची में बढ़िया हो रही है, क्योंकि मिर्ची हुई अभी क्या रेटे थोड़ी कम हुई है इस वजह से। अभी 2-3 दिन से क्या रेटे काफी ज्यादा तेज थी मिर्ची में, तो क्या है कि थोड़ा सेल भी थोड़ा डाउन हो गई थी। लेकिन अभी क्या थोड़ा मिर्ची टमाटर में सेल बढ़ी है, क्योंकि क्या रेटे थोड़ी कम हुई है। टमाटरों में भी रेटे कम हुई है। टमाटर का भाव बताते हैं आज आपको। तो ये तो आज की मिर्ची का भाव रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं टमाटर, ये कुछ टमाटर की क्वालिटी है। तो जानते हैं टमाटर का भी क्या कुछ रेट चला। ये टमाटर का भाव बिखरा आज? टमाटर भी 45 रुपए किलो। कितना माल आया भैया आज मंडी में? ये तो अभी तो भैया टमाटर आ रहा है अपने पास में, कहाँ का रहा टमाटर? चित्तौड़ का है ये। चित्तौड़ वाला रहा। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ का है? खराब भी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आ रही है उसमें। चित्तौड़ वाला चल रहा है अभी, ये देख सकते हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र वाला क्या पोजीशन है? कम हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये आज के टमाटर की रेट रही है। और ये देख सकते हैं अभी थोड़ा क्या रेटों में भी गिरावट आई है। पहले से काफी कम हुई है रेट है, जहाँ पहले 60-65 रुपए बिक रहा था, तो आज 45 रुपए 40 रुपए किलो तक टमाटर का भाव रहा। तो यह आज के टमाटर की रेट थी। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ खीरा का भाव। ये कुछ खीरा की देखिए क्वालिटी देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी हल्दी भी शुरू हो चुकी है आना, ये देखिए। तो बताते हैं आज आपको क्या कुछ रेटे रही है और कितना क्या आज मंडी में माल अवेलेबल रहा। तो देखिए हल्दी की अभी जो क्वालिटी है, ये कुछ क्वालिटी रही है हल्दी में। अभी आ रही है कच्ची हल्दी आ रही है, अभी पकी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा क्या ठंड पड़ेगी, वैसे वैसे पकना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी क्या इतनी ठंड है नहीं, स्टार्टिंग शुरुआत हुई है बस अभी ठंड की। तो बताते हैं आज आपको भाव, क्या कुछ भाव रहा आज भैया। आज खीरे का क्या रेट चल रहा है? खीरे का 30 रुपए रेट चल रहा है। 30 रुपए कम से कम क्या है, और ज्यादा से ज्यादा क्या भाव है? ज्यादा से ज्यादा 35 रुपए लास्ट। अच्छा, और अभी खीरा कहाँ का आया भैया? ये जयपुर से आया। जयपुर का है। कितना माल आज मंडी में रहा होगा खीरा में? खीरे की 2 गाड़ी है ये। 2 गाड़ी अपने पास है। अच्छा जी, और अभी हल्दी का क्या रेट चला? हल्दी का 40 रुपए चला ऊपर का भाव। 40 रुपए। और जो अभी आ रही है हल्दी, कहाँ की आ रही है? ये चित्तौड़गढ़ से आ रही है। चित्तौड़ वाली आ रही है। तो अभी कमी आ रही होगी हल्दी? तो हल्दी तो कमी आ रही है। कितनी सैली अभी आ रही है? 40 सैली आ रही है। अच्छा, 30-40 सैली। तो देखिए अभी क्या है दोस्तों, हल्दी की स्टार्टिंग हुई है, तो अभी क्या थोड़ा कमी आ रहा है हल्दी में माल। और जो खीरा है, खीरा 30-35 रुपए किलो का बाजार रहा है खीरा में। तो खीरा में क्या अभी थोड़ी रेटे तेज चल रही है कुछ दिनों से, क्योंकि क्या है खीरा के अंदर जो माल है थोड़ा कम आ रहा है इस वजह से। और ये कुछ आज की रेटे रही है खीरा और हल्दी की। दोस्तों ये देख सकते हैं आज फूल गोभी की ये कुछ क्वालिटी और ये कुछ कंडीशन रही है। और फूल गोभी अभी क्या देखिए दोस्तों, थोड़ा कम हो गई है मंडी में, क्योंकि जो फूल गोभी आ रही थी अभी बरसात वाली आ रही है, तो क्या है कि अब थोड़ा कम होने लगा माल। तो फूल गोभी में भी अभी क्या थोड़ा रेट तेज हुई है। और जो फूल गोभी की आप क्वालिटी देख ही सकते हैं, ये कुछ क्वालिटी रही है, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग भाव है फूल गोभी में। ये देख लीजिए,
तो जानते हैं आज का क्या कुछ भाव रहा है और कैसी क्या आज मंडी में आवक रही है फूल गोभी की। तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए भैया, और इधर लेने वालों भी लग रही है भीड़। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। तो भैया आज फूल गोभी की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन रही है? भाई आज मार्केट में दिल्ली तेजी खाने से आज वापस खेतों में मतलब दिल्ली बनने से आज मंडी में मार्केट बहुत तेज हो गया गोभी। अच्छा, तो कितना माल रहा आज फूल गोभी में? फूल गोभी सुबह से तेज है भैया, सब बाहर वाले गोभी नहीं मिल रही है, माल नहीं मिल रहा, डिमांड काफी ज्यादा हो गई। बहुत हाँ डिमांड बहुत ज्यादा होगी गोभी की, बहुत कम माल आया। माल कम हो गया भैया, इतना माल कम कैसे हो रहा है? इतना ठंड से अब खत्म होने लगी लोगों की गोभी। अच्छा, नई गोभी अब चालू होने में टाइम लगेगा, अभी जो सर्दी वाली आएगी, सर्दी वाली गोभी चालू हो जाएगी अब 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन। अच्छा, तो आज क्या भाव चला है गोभी का, कम से कम क्या भाव और ज्यादा से ज्यादा क्या? गोभी कम से कम सुबह बिकी 40, अब लोगों को भी नहीं मिल रही, कम से 50-60 रुपए किलो तक गोभी। अच्छा, 60 रुपए किलो तक, बढ़िया माल, बढ़िया माल। अच्छा, तो देखिए दोस्तों आज की गोभी की रेट रही है, और ये देख सकते हैं तो अभी क्या माल कम होने की वजह से क्या थोड़ा रेट ज्यादा हुई है, और क्या है अभी थोड़े टाइम ऐसे ही चलेगा गोभी में। तो ये आज की गोभी का रेट थी। तो ठीक है दोस्तों।